मुझ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, जाकर अपनी बीवी पर गुस्सा निकालिए। आखिर तुम चाहते क्या हो? कितनी दफा बताऊं आपको कि मैं क्या चाहता हूं। खैर, अगर मेरा काम ना हुआ तो इकबाल फूफो के निकाह के बाद तो ये तस्वीरें मैं सबको दिखा ही दूंगा। सुरैया, वो मेरा फोन। शर्मिंदा हूं कि तुम जैसा शख्स मेरा भाई। क्यों, क्या किया मैंने? से क्या पूछ रहे? खुद अपने आप से पूछो ना कि क्या किया है, क्या कर रहे हो। ये जो तस्वीरें तुमने डिलीट किया, इनके बावजूद भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। वो किम खुलेआम किसी से भी मिले, अपने दोस्त का हाथ पकड़े, घूमे फिरे। तानी वो वही करे वो जिस माहौल से आई है। किम के लिए ये सब कुछ गलत या अजीब नहीं है। कि तुम क्या कर रहे हो? हमारे घर का माहौल, बड़ों की तबीयत ये तो नहीं है। तुम इस घर की बहू की तस्वीरें लेकर अपने ही भाई को ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही है? मैंने दाऊद भाई को शर्म दिलाने के लिए ये सब कुछ किया, समझ आई? तुमने सब 30 लाख रुपए के लिए किया। जब किम को यह मालूम होगा कि पैसों के खातिर तुम अपने भाई को ब्लैकमेल कर रहे हो, कि क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? जो खानदान की मोहब्बत, रिश्तों के तकद्दस के बारे में हम लेक्चर देते फिर रहे हैं, सबसे एतबार रुक जाएगा उसका। यही सोचेगी कि हम मफाद परस्त और धोखेबाज हैं, जो अपने मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये चाहते हो तुम? मुझे कोई परवाह नहीं कौन क्या सोचता है, खासतौर पर वो किम मैडम। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, उसना से मैं दूर हो गया। ना, तुम्हारी अपनी लालच की वजह से दूर गई, किम की वजह से नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये सब हरकतों के बाद हम तुमसे दूर नहीं जाएंगे? दा के लिए अकेले बैठ के सोचो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। शायद तुम्हें अपनी हरकतों पे शर्मिंदगी होगी।